तो ये तस्वीरें जो आपके सामने प्रयागराज की है, मतलब जहां संतों के बीच जमकर लात घूसा चल रहा है, जो आप तस्वीरों में देख ही रहे। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज में प्रयागराज मेला प्राधिकरण का कार्यालय गुरुवार को अखाड़ा बन गया। कार्यालय में महाकुंभ 2025 में जमीन आवंटन के लिए अधिकारियों ने बैठक बुलाई थी। इसमें अखाड़ा परिषद के सभी पदाधिकारी संत पहुंचे हुए थे। अखाड़ा परिषद और अधिकारियों की बैठक के बीच संतों में किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और ये कहासुनी विवाद में कब तब्दील हो गया मतलब पता ही नहीं चला। संत आपस में मारपीट करने लग गए, जमकर लात घूसे चलने लगे एक दूसरे पर। बाद में किसी तरह से वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को जैसे तैसे करके शांत करवाया। महाकुंभ 2025 मेले की शुरुआत से पहले अखाड़े के बीच जंग शुरू हो गई और गुरुवार को प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से अखाड़ों को आवंटित की जाने वाली भूमि का निरीक्षण करवाना था। कुंभ मेला की भूमि देखने जाने के लिए सभी अखाड़े के संत महात्मा प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे हुए थे और इस दौरान अखाड़ों के महंतों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते उनके बीच मारपीट होने लग गई। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। साधु संत एक दूसरे पर लात घूसे बरसा दिए, मतलब बौछार कर दिए और एक दूसरे की पिटाई इस तरह से कर रहे हैं जैसे किसी सरकारी स्कूल के बच्चे रेसेस होने के बाद आपसी कहासुनी के बीच में लड़ने लगते हैं। ठीक इसी तरीके से अखाड़ा परिषद के बीच में ये जो लड़ रहे हैं ये साधु संत हैं, ये महात्मा हैं। तो ये जो बवाल हुआ है ये प्रयागराज में हुआ है। अखाड़ा परिषद की बैठक अखाड़ा ही बन गई और इसके बाद फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, ये जो अखाड़ा परिषद में यह अखाड़ा देखने को मिल रहा है साधु संतों के बीच में, किन वजहों से यह दृश्य हम देख पा रहे हैं, मामला क्या है पूरा, क्या कुछ जानकारी आपके पास, विस्तार से बताइए शोएब। देखिए दरअसल आज जो 2025 में यहाँ पे कुंभ का आयोजन होना है उसको लेकर के जो अखाड़े हैं उनको जो भूमि आवंटित की जानी थी उसको उस पर एक तरह से चर्चा करने के लिए और उसका निरीक्षण करने के लिए जो प्रशासन है उसके साथ एक बैठक थी। जो यहाँ के मेला प्राधिकरण का कार्यालय है वहाँ पर जो साधु संत इकट्ठा हुए थे। दरअसल अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे नरेंद्र गिरी जी महाराज, उनके नियम तोड़ने के बाद अखाड़े दो हिस्सों में बढ़ गए हैं, यानी जो डेरा अखाड़े हैं उनका एक दूसरा गुट भी बन गया है और दोनों गुटों में से तनातनी थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जब आए थे साधु संतों के साथ बैठक हुई थी तो वहाँ भी थोड़ा तनाव देखने को मिला था। आज जब इस मामले में दोनों गुट इकट्ठा हुई तो आमने सामने होने पर किसी बात को लेकर के विवाद बहस में बचता और बहस के बाद फिर हाथापाई की नौबत आगे भी कह सकते हैं कि वहीं पर जिस तरह से ये घटना हुई वो टीवी स्क्रीन पर दर्शक ने देखा। उसके बाद जो वहाँ के प्रशासनिक कमला है उन्होंने उन लोगों ने समझाने बुझाने की कोशिश की, काफी देर तक वहाँ पर इस तरह के हालात बने रहे। आखिरकार बाद में समझा बुझा करके अलग किया गया और फिलहाल दोनों गुट जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है, नाराज है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने जो रिश्ता पूछा उसके साथ थोड़ी देर पहले तक बैठक है। शोएब, सवाल ये है कि ये जो अखाड़ा हमें देखने को मिल रहा है, आमतौर पर साधु संतों में कहा जाता है बड़ी शांति होती है, इनमें बड़ी एकता होती है, लेकिन जिस तरीके से अखाड़ा देखने को मिल रहा है अखाड़ा परिषद के ही लोगों से, सवाल ये है कि क्या ये इलाके के आधिपत्य के लिए हो रहा है क्या, कि मतलब ये इलाका हमारा है तो यहाँ पर आपका आधिपत्य नहीं हो सकता, क्या ये सबसे बड़ी वजह? और इसके बाद इस पूरे हंगामे के बाद किसी एक तरफ का कुछ बयान अभी तक सामने आया किसी एकाध तरफ का? देखिए इसके दोनों पहलू हैं। एक तो ये बात निश्चित तौर पर कि साधु संतों से इस तरह के आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि वे समाज के लिए एक तरह से आईना होते हैं, जिस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए, जिस तरह से लोगों की उनके प्रति आस्था होती है, निश्चित तौर पर ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से घटना अब हुई है उसके बाद जो दूसरा पक्ष है उसने जो मीडिया से बातचीत की है और उसने हालांकि बहुत ही डिफेंसिव बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे
चीजों को शॉर्ट आउट कर लिया जाए। हाँ ये जरूर है कि जो घटना हुई उसके खिलाफ उन्होंने एक एप्लीकेशन देने की बात कही है मेला अधिकारी को। उन्होंने कहा है कि घटना के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है, कार्रवाई की भी मांग करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से घटना होने के बाद दोनों जो गुट हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से कह सकते हैं डिफेंसिव, बहुत खुलकर मीडिया के सामने अपनी बातें नहीं रख रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर नाराजगी जरूर है। कहीं ना कहीं वर्चस्व अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से आज भूम आवंटन को लेकर के ये लोग इकट्ठा हुए थे और उसके पहले इस तरह की चीजें हो गई हैं, जबकि अभी मेला बसना भी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर इस तरह के तनाव रहे तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। अब आने वाले दिनों में इन लोगों के बीच किस तरह से समन्वय बैठाया जाता है, किस तरह से तालमेल बने या क्या कुछ दोनों का रुख रहता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। वहीं प्रशासनिक अमले के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये होगी कि दोनों गुट को कैसे वो शांत रखें, कैसे उनकी डिमांड, क्योंकि जिस तरह की उनकी डिमांड है उनको किस तरह से वो पूरा कर पाते हैं, कहीं भूमि आवंटन को लेकर के कुछ सुविधाएं मिलती है उसको लेकर के आगे क्या कुछ रुख होता है। हालांकि जो यहाँ के मेलाधिकारी है वो अभी देर पहले तक बैठक करके उनको समझाते बुझाते। शोएब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अखाड़ा परिषद के लोग ही आपस में पूरा अखाड़ा बना दिए और ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, देखिए वाले कुंभ को लेकर के जहां बैठकों का दौर जारी है वहीं आज अखाड़ों के दो अलग गुट के बीच आपसी मतभेद हो गया। दरअसल जो प्राधिकरण का कार्यालय है वहां पर आज साधु संत इकट्ठा हुए थे, एक बैठक होनी थी, भूमि आवंटन को लेकर के बातचीत होनी थी, उसी सिलसिले में दोनों गुट वहां पर पहुंचे थे और किसी बात को लेकर के दोनों तरफ से विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गया। जो दोनों अखाड़े के जुड़े साधु संत हैं वो वहाँ पर वहाँ मौजूद थे, हरिगिरी महाराज, रवीनपुरी जी महाराज जैसे बड़े साधु संत की मौजूदगी में जिस तरह से ये विवाद हुआ है वो आप कहीं ना कहीं जो अखाड़ों के बीच मतभेद है वो खुलकर सामने आ चुका है। दरअसल प्रशासनिक अमले ने आज एक बैठक बुलाई थी जिसमें मेले से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद थे, तमाम साधु संत मौजूद थे, दोनों अखाड़ों के साधु संत मौजूद थे और उसके बाद किसी बात को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो हाथापाई में बदल गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जो कुंभ का आयोजन है उससे पहले ही जिस तरह से साधु संत आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं ऐसी स्थिति में आगे इनको कैसे समझाया बुझाया जाएगा। दोनों अखाड़े अपने अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं, प्रशासनिक अपने के लिए एक बहुत मुश्किल चुनौती होगी जहां तमाम तैयारियों के साथ अब अखाड़ों के बीच जो मतभेद है उसको किस तरह से सुलझाएगा ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। शोएब रिज़वी, इंडिया वाइज, प्रयागराज।